हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे एक और लेक्चर में स्वागत है। आज हम देखेंगे, जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि कंक्रीट जो हमने क्यूब बनाया उसका वेट कितना है, या ये वाइवा के में पूछ सकते हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि जैसे हम कंक्रीट बनाते हैं 150 × mm × 150 mm, उसका वेट कितना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चन में या वाइवा क्वेश्चन में। तो हम बताना होता हूँ उसको हम सोल्व करके भी निकाल सकते हैं, या फिर हम उसकी वैल्यू भी याद कर सकते हैं, नहीं तो, या फिर अगर हमें याद ना हो सीधे उसमें भी क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू के क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंक्रीट क्यूब का वेट कितना होता है। तो आइए देखते हैं उसको कैसे निकालते हैं। तो जैसे हमारे पास साइज, क्यूब का साइज दिया हो, नॉर्मली जो हम 150 mm × 150 mm क्यूब को यूज करते हैं, तो उसी की हम उसका कितना वेट होगा उस क्यूब किसका, तो हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसको, ये हमें पहले हमें मिलीमीटर में दिया होता है, तो इसे हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो इसकी वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम, क्यूब साइज ऑफ क्यूब दिया हुआ है, तो उसे हमें मीटर में चेंज करके हम इसकी वॉल्यूम निकाल देंगे, तो वॉल्यूम आ जाएगी। और हमें पता है डेंसिटी ऑफ कंक्रीट कितनी होती है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट पीसीसी और आरसीसी, जिसकी पूछ ले क्वेश्चन में पूछ सकते कि सिर्फ कंक्रीट बोला हो तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट ही निकाल के हम सोल्व कर देंगे, उसका वेट हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें बोल दे कि स्टील बार यूज हुए उसमें, मतलब वो रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट है, तो कैसे निकालेंगे, तो उसमें हमें पता है डेंसिटी क्या होती है कंक्रीट की, 2500 kg/m³। तो हमें ये डेंसिटी हमें ये पता होनी चाहिए। तो हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास को वेट भी लिख सकते हैं इसमें, वो कैलकुलेट करने के लिए वेट को। तो वेट क्या हो जाएगा, वेट इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हम वेट ऑफ पीसीसी निकालना है, तो हम डेंसिटी से वॉल्यूम को इंटू कर देंगे, वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हमारा कंक्रीट क्यूब का वेट निकल आएगा 150, जो कंक्रीट हम का वेट है वो कितना होगा 8.1 kg। अगर हमें फिर आरसीसी का निकालना हो, इसमें स्टील बार यूज हो रहे हैं, तो स्टील बार यूज हो रहे, तो मतलब इसका वेट थोड़ा इंक्रीज ही होगा, तो 2500 × 0.003375 जो इसकी वॉल्यूम है उससे इंटू कर देंगे, तो 8.4 समथिंग कुछ इसका वेट आएगा। तो हम बता सकते हैं कि कंक्रीट क्यूब का वेट कितना होता है। अगर फिर अभी हमसे पूछ ले कंक्रीट क्यूब का साइज 100 mm × 100 mm × 100, तो उसका भी हम निकाल सकते हैं। पहले उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, हमें डेंसिटी तो पता है, पीसीसी कितनी होती है, आरसीसी कितनी होती है, तो ऐसे करके हम फिर ये इस फॉर्मूले में डाल के उसकी वॉल्यूम निकाल के इससे इंटू कर देंगे, तो पीसीसी का निकल आएगा, और इससे इंटू कर देंगे तो आरसीसी का निकल आएगा। तो बस ऐसे करते हैं। और एक और चीज है कि हम क्यूब टेस्ट को ही क्यूब प्रीफर करते हैं ज्यादा, मतलब इंडिया में तो मोस्टली जो होता है क्यूब टेस्ट ही होता है, सिलेंडर टेस्ट बहुत कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। कुछ कंट्री है जैसे यूएस में हो गए बहुत ज्यादा यूज होता है, पर इंडिया में जो नॉर्मली यूज होता है वो हमेशा क्यूब टेस्ट यूज होता है, क्यूब टेस्ट होता है, और क्यूब से ही हम उसको करते हैं। तो सिलेंडर टेस्ट क्यों यूज नहीं होता, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो क्यूब टेस्ट से 20% लेस होती है। तो सिलेंडर का जैसे हमने टेस्ट किया, तो उसकी जो कंप्रेसिव करेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी वो 20% लेस आती है। तो एफसीके ऑफ क्यूब इक्वल टू 0.8 times ऑफ एफसीके ऑफ सिलेंडर, तो मतलब कम है, तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसमें एक चीज हमें जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है, ये तो याद रखना ही रखना है, सीधा ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सिलेंडर क्यूब की स्ट्रेंथ और सिलेंडर की स्ट्रेंथ कितनी कम होती है क्यूब की स्ट्रेंथ से। तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज फाउंड टू बी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ स्पेसमैन, मतलब क्यूब जैसे हमारे पास है 100 mm × 100 mm × और दूसरा कितना है 150 mm × 150 mm × 150 mm, तो इसमें से पूछ रहा है कि किसके ऐसे पूछ सकते हैं, इन दोनों में से किसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो जितना कम साइज होगा ना उतनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ज्यादा भी कम नहीं होनी चाहिए, पर जब जो कम साइज होता है ना, जिसका साइज कम होता है क्यूब का, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जितना इंक्रीज होता जाएगा उतनी कम होती चली जाएगी, पर एक लिमिट के बाद वो नॉर्मल रहने लग जाती है। स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज फाउंड टू बी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ स्पेसमैन, मतलब क्यूब का साइज इंक्रीज होता जाएगा तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी, मतलब पर बियॉन्ड, मतलब 450 mm के ऊपर जो भी क्यूब का साइज होगा उसमें देर इज नो डिक्रीज इन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। उसके बाद 450 mm साइज से ऊपर के कंक्रीट के जो क्यूब होंगे उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में कोई डिक्रीज नहीं होगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है।
एक ये इम्पोर्टेंट है इसमें, और हम पूछ सकते हैं कि कंक्रीट का वेट क्या होता है, क्यूब का, किसी भी साइज का पूछ सकते हैं, ये चीज इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम क्रैक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी पढ़ेंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन सारी चीज अच्छे से करते चलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।